माय फेवरेट टॉप 10 लिस्ट में मेरे पास नंबर 7 पर है तीन यक्के तीन छक्के। एक मेगा कास्ट मूवी थी और इस फिल्म का जो सेंट्रल आइडिया था वो गॉडफादर से लिया गया था। और इस फिल्म की कास्ट में उस वक्त के जितने बेहतरीन अदाकार थे ऑलमोस्ट सारे ही थे, इजहार काजी साहब, जावेद शेख साहब, मुश्तबा कुरैशी साहब, रंगीला साहब, हुमायूं कुरैशी, इस्माइल शाह, साइमा बेगम की ये दूसरी फिल्म थी। उनकी पहली फिल्म लगाई थी ख़तरनाक, वो फ्लॉप हो गई थी। उसके बाद तीन यक्के तीन छक्के बहुत सुपर हिट हो गई तो अल्लाह ताला ने उनको भी हिट किया। नीली बेगम माय फेवरेट आफ्टर बाबरा शरीफ और आबिद अली साहब। इस फिल्म को रमीज़ फिल्म्स के तहत तारिक भट्ट साहब ने प्रोड्यूस किया था और इस फिल्म के मौसीकार थे एम अशरफ साहब। और ये डबल वर्जन फिल्म थी, पंजाब में पंजाबी में लगी और बाकी कराची, सिंध और बलूचिस्तान सर्किट में और फ्रंटियर में जो है ये उर्दू में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की खसूसी बात यह है कि इस फिल्म में इस्माइल शाह साहब का कैरेक्टर बड़ा मखसूस था, बहुत कोई लंबा चौड़ा कैरेक्टर नहीं था, लेकिन उसके बावजूद वो सारे कैरेक्टर्स के ऊपर हावी हो गए। फिर इस्माइल शाह साहब को ओवरकम किया इजहार काजी साहब ने इस फिल्म के अंदर, और वो उस ज़माने में अपने इतने उबूर हासिल कर चुके थे अपनी एक्टिंग के ऊपर और अपनी फ़नी सलाहियतों के ऊपर कि उनको जो है वो बीट करना बड़ा मुश्किल था। जब ये फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई तो मैंने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया इस फिल्म में एक ऐसा अनोखा काम हुआ जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तो बेम्बिनो में ये फिल्म जब चल रही थी कराची में, तो इस फिल्म में एक फ़ाइट थी जो इजहार काजी साहब बमुकाबला जावेद शेख थी, और जब इजहार काजी साहब पंच मारते थे शेख साहब को तो इजहार काजी फेडरेशन जो थी, जो उनका फ़ैन क्लब था, वो नोट उड़ाता था, सिक्के उड़ाता था और गोल्डन और सिल्वर पन्नियाँ उड़ाता था, और जब जावेद शेख साहब मारते थे तो वो उनकी फेडरेशन वाले उड़ाते थे। तो मैं बड़ा हो गया, मैंने कहा ये क्या सिस्टम चल रहा है कि ये कैसी फ़ैन फॉलोइंग है। और यही फ़ैन फॉलोइंग देखें आज साउथ इंडियन में, साउथ में देखने में आती है, जब रजनीकांत साहब की एंट्री होती है फिल्मों में तो यही माहौल जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में था किसी ज़माने में, वो आज भी वहाँ पर देखने में आता है। जब तीन छक्के रिलीज़ हुई तो जो उनका जावेद शेख साहब का फ़ैन क्लब था वो मेरे वाले साहब के पास आ गया। उन्होंने कहा कि जी इस फिल्म में आपने ज़्यादती की है, आपने जो ना वो इजहार काजी को आप ऊपर ले गए हैं और जावेद शेख साहब को आपने जो नीचे कर दिया है। तो उन्होंने कहा ये उनके कैरेक्टर्स ऐसे थे और वो जो भी हीरो कोई कैरेक्टर कैरी करता है तो अपनी मर्ज़ी से ही करता है, ज़बरदस्ती तो कोई किसी से कुछ नहीं करवा सकता। मैंने कहा नहीं, वैसे डायरेक्टर भी आपने जो है ना अपने फेवरेट हीरो जो इजहार काजी साहब हैं उनकी साइड ली है थोड़ी सी, और उनका कैरेक्टर बहुत बड़ा है और इनका लिमिटेड कैरेक्टर है। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो उनकी फेवरेटिज़म थी या कुछ थी, बेसिकली उनके कैरेक्टर्स ही ऐसे थे कि अपनी अपनी जगह पर फिट हुए हुए थे सारे।